Hi students, physics in minute ke is video mein I'm going to talk upon some cases of friction. Friction ke bahut sare cases hamare samne aate hain, lekin block over block jab aata hai to students kafi confused ho jate hain. So I thought upon ki kai comment box mein bhi bahut sari request aayi thi ki sir block over block ke cases lijiye. So sabse pehle main isi tarah ka ek case consider kar raha hu, try to understand. I'm going to take a very elementary way jisse aap block over block cases ko handle kar sakte ho aur upcoming videos mein bhi aap handle kar payenge. और जो पॉइंट्स मैं बता रहा हूँ उसके ऊपर बेस कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको देता हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, उनको देखें, सॉल्व करें और कमेंट्स में आंसर पोस्ट करके वेरीफाई कीजिए वेदर यू आर गोइंग टू गेट करेक्ट आंसर्स और नॉट. सो हैव अ लुक ऑन द सिचुएशन. पोजी प्लीज क्लियर करो. एक बिल्कुल सिंपल सा केस है, एक रफ ग्राउंड है, एम वन मास का ब्लॉक है और फोर्स से इसको खींच रहे हैं. फ्रिक्शन कोएफिशिएंट यहाँ म्यू वन है. यू नो वेल, फोर्स लगाते ही यहाँ पर फ्रिक्शन लगना शुरू हो जाएगा. एफ वन फ्रिक्शन हमेशा पेयर में लगता है, अपोज करता है रिलेटिव मोशन को और जैसे जैसे फोर्स बढ़ाएंगे फ्रिक्शन बढ़ेगा, ब्लॉक नहीं चलेगा जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स इस फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू को क्रॉस नहीं करता. और फ्रिक्शन की जो लिमिटिंग वैल्यू होगी वो होगी म्यू वन टाइम्स एन, वेयर एन इज़ द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन दिस ब्लॉक एंड ग्राउंड. नाउ इन दिस केस जब फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्रॉस हो जाएगी तो ये चलना शुरू हो जाएगा विद द एक्सेलरेशन एफ माइनस फ्रिक्शन अपॉन एम वन. बिल्कुल एलिमेंट्री चीज़ है. इससे आगे बढ़ते हैं. अगर इस ब्लॉक के ऊपर एक दूसरा ब्लॉक रखा हुआ है जिसका मास M2 है और यहाँ पे फ्रिक्शन दिया गया है म्यू टू बिटवीन M1 एंड M2, और इस सिचुएशन में हमसे क्वेश्चन पूछा गया है दैट इज फाइंड F फॉर विच M2 स्लाइड्स ओवर M1. ग्राउंड स्लाइडिंग के लिए तो कैपिटल F को लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होना पड़ेगा और ऑब्वियसली अब N की वैल्यू भी M2 रखने से M1 प्लस M2 जी हो जाएगी. सो दिस लिमिटिंग फ्रिक्शन विल बी म्यू वन टाइम्स एम वन प्लस एम टू जी इन दिस केस वन एम टू इज प्लेस्ड. नाउ अब जैसे ही फोर्स की वैल्यू इस लिमिटिंग वैल्यू के बराबर होगी ये पूरा सिस्टम चलेगा. अगर ये सरफेस स्मूद होती तो ये पॉइंट भी नोट करना बहुत ज़रूरी है, ये सरफेस स्मूद होती तो एम टू इनर्शिया की वजह से यहीं रहना चाहता, एम वन निकल जाता और एम टू यहीं अपनी जगह पर नीचे गिर जाता. बट अब ये रफ है तो M2 इनर्शिया की वजह से यहाँ रहना चाहता है तो M1 के मोशन को ये अपोज करेगा, फ्रिक्शन F2 पीछे M2 पे आगे और ये F2 इस M2 को साथ साथ लेके चलेगा. तो हम ये कह सकते हैं बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर एट, जो कॉमन एक्सेलरेशन होगा सिस्टम का वो होगा F माइनस F1 लिमिटिंग अपॉन M1 प्लस M2. क्योंकि दोनों साथ चल रहे हैं तो F2 का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, साथ जा रहे हैं तो F2 इज़ एन इंटरनल फोर्स. F1 की लिमिटिंग वैल्यू आते ही F इसको ड्रैग करना शुरू करेगा विद दिस एक्सेलरेशन. अब सिर्फ M2 की बात करें तो M2 को कौन खींच रहा है, फ्रिक्शन बिटवीन M1 एंड M2. ये बात हम कर चुके हैं, अगर ये स्मूथ होता तो M2 नहीं चलता, M2 अब इसके साथ जा रहा है बिकॉज ऑफ F2. तो M2 पे इकलौता फोर्स F2 है, वी कैन राइट F2 इज इक्वल टू M2 टाइम्स A कॉमन. आपने M2 की इक्वेशन लिख दी. अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, जैसे जैसे मैं एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाऊंगा वैसे वैसे कॉमन एक्सेलरेशन बढ़ेगा, जैसे जैसे कॉमन एक्सेलरेशन बढ़ेगा वैसे वैसे F2 की वैल्यू बढ़ेगी. और हम अच्छी तरह से जानते हैं किसी भी दो सर्फेसेस के बीच का फ्रिक्शन जब लिमिटिंग वैल्यू को टच करता है तो उन सर्फेसेस के बीच में स्लाइडिंग शुरू हो जाती है. और यहाँ पर आप जानते हैं F2 की लिमिटिंग वैल्यू होगी म्यू टू एम टू जी, क्योंकि यहाँ का नॉर्मल रिएक्शन इसका वेट यानी एम टू जी है. दैट मीन्स अगर ये पूछा गया है वैल्यू ऑफ कैपिटल एफ निकालनी है जिस पे एम टू एम वन पे स्लाइड करे, तो एम टू एम वन पे तब स्लाइड करेगा जब यहाँ का फ्रिक्शन लिमिटिंग वैल्यू पे आ जाएगा. तो डायरेक्टली आप इस इक्वेशन से रिजल्ट निकाल सकते हैं, सिचुएशन इज ओवर. यू कैन राइट म्यू टू एम टू जी इज इक्वल टू एम टू टाइम्स कॉमन एक्सेलरेशन, वी कैन राइट एफ माइनस म्यू वन M1 प्लस M2 G डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2. दैट्स इट, इसको सॉल्व कीजिए, यहाँ से फोर्स आ जाएगा. दिस इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द सिचुएशन. सो माय डियर स्टूडेंट, अभी मैं ऑफिस में ही हूँ, शायद आज जल्दी काम खत्म करके मैं नेक्स्ट वीडियो भी क्विकली पोस्ट करने की शाम तक कोशिश करता हूँ और उसमें मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर कि अगर ये फोर्स नीचे लगने की जाए ऊपर लगे तो क्या होगा, नीचे का ग्राउंड स्मूथ हो तो क्या होगा. सो क्विकली एक दो वीडियोज़ में हम सारे कॉन्सेप्ट लेंगे, तब तक आप क्विकली अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के क्वेश्चन सॉल्व करके कमेंट में डिस्कस कीजिए ताकि यू विल गेन कॉन्फिडेंस कि ये वाला फंडा क्लियर हो गया. लेट्स प्रोसीड फर्दर, विश ऑल द बेस्ट.